आखिर क्यों उठी सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली बंद होने की झूठी खबरें। क्या सच में सलमान ने एक ही पल में लगा दिया अपनी फिल्म पर ताला? क्या है पूरा मामला? दरअसल बीते दिन से खबर सोशल मीडिया पर फुल टॉप पर बनी हुई है, वो ये कि सलमान ने अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली पर ताला लगा दिया है और इसके पीछे की वजह है राधे। राधे का क्या हाल हुआ है ये हर कोई जानता है। राधे से सलमान की काफी सारी उम्मीदें भी टूटी हैं और इसी बात को मोहरा बनाकर ये खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो फैंस के लिए राहत का काम करेगी। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये खबरें महज अफवाह हैं और इस बात की कंफर्मेशन खुद नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने दी है। वी वुड लाइक टू डिनाई ऑल द फेक न्यूज, एम्बैरेसिंग जर्नलिज्म, द सेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड सॉन्ग्स हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, शूटिंग बिगिंस इन 2 मंथ्स। इस ट्वीट से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सलमान खान ने पिक्चर बंद करने का नहीं बल्कि काम शुरू करने का प्लान जरूर बना लिया है, जो कि 2 महीने यानी कि नवंबर तक शुरू हो भी जाएगा। फिल्म के बंद होने की खबर सलमान के फैंस पर आफत की तरह बरसी, लेकिन इस खबर के बाद से सलमान खान के फैंस काफी खुश हैं कि मेगा स्टार की ये फिल्म किसी तरह से डिब्बा बंद नहीं हो रही है। इस फिल्म को लेकर कुछ समय पहले खबरें आई थी कि फिल्म का नाम बदल दिया जाएगा, अब ये फिल्म भाईजान के नाम से रिलीज की जाएगी। हाल फिलहाल तो सलमान तुर्की में टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करने का काम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो बिग बॉस 15 और अंतिम की रिलीज भी एक ही साथ संभाल रहे हैं। जल्द ही अंतिम रिलीज होगी, लेकिन उसके लिए भी सलमान ने राधे की तरह हाइब्रिड रिलीज का ही रूट चुना है, यानी कि एक ही दिन ओटीटी और सिनेमा घरों में रिलीज होना। वैसे आप लोग सलमान की किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? शेयर कीजिएगा अपने जवाब हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।